डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब इस डाउट को देखते हैं। इसमें लिखा है कि सर हमारे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से पूछ लिए जाते हैं, लैंग्वेज क्या रहती है? तो देखिए, लैंग्वेज जो होती है वो स्टार्टिंग तो इंग्लिश से ही रहती है, स्टार्टिंग जो होती है वो इंग्लिश से ही रहती है। लेकिन अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो फिर आपको हिंदी बोलने का भी मौका दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये कह दिया जाए कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा कभी भी कोई भी रूल ही नहीं है। बात समझिए, कभी भी किसी भी कैंडिडेट को हिंदी की वजह से जो है वो नहीं हटाया जाएगा, ना इंटरव्यू में मार्क्स कम दिए जाएंगे। उसके मार्क्स इसलिए कम आएंगे क्योंकि उसने जो उसका प्रेजेंटेशन जो वो अच्छा नहीं है। अब रही बात कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, बात समझ में ना। सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि करेंट अफेयर्स जो है ये आप ज़रूर देख लीजिए, और अभी जो जो KVMS में के इवेंट वगैरह चल रहे हों, ठीक है ना, अभी जो KVS में इवेंट चल रहे हैं उनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, बात समझ में ही ना। उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी इवेंट चले हों, जो भी प्रोग्राम हुए हों, उनको देख लीजिएगा एक बार KVS की साइट पर जाके, ठीक है ना। तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी करंट चल रहा होता है उससे भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। इसके अलावा आपसे को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि CCA से भी जो होगा ये भी क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप एक बार मेंशन कर लीजिए, मतलब एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है, और पूछ के मतलब पढ़ के जाइएगा बढ़िया से, है ना। ओके, थैंक यू।